तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को चलो करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक प्रिज्म है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल ऑफ प्रिज्म यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ये यहाँ से पता चला है, म्यू जो है और रूट थ्री यहाँ से मेंशन है। और प्रिज्म कैसा है, इक्विलेटरल प्रिज्म है। इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। तो मिनिमम डेविएशन निकालना आता है। देखो मिनिमम डेविएशन के अपने पास कई फार्मूले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं मिनिमम डेविएशन लगाता हूँ तो एक है 2μ-1 और मल्टीप्लाइड बाई ये इसलिए लगाऊंगा कि ये थीन प्रिज्म के लिए होता है, दैट्स वाई मैं इसको नहीं अप्लाई करूँगा। और एक मिनिमम डेविएशन है 2i और -a, इसको इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म तो पता है, आई नहीं पता है। तो एक ही इक्वेशन में दो अननोन आ जाएंगे। तो अपने पास म्यू दिया है, तो म्यू का एक फार्मूला है साइन ए प्लस डेल मिनिमम, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से साइन ए बाई 2। आई होप कि ये फार्मूला आप पढ़े होगे, ठीक ना, बेहतर तरीके से। तो यहाँ से रूट थ्री और यहाँ से आ जाएगा साइन ए प्लस यहाँ से डेल मिनिमम और डिवाइड कर दो यहाँ से 2 से और यहाँ से साइन 60/2 मतलब साइन 30। तो साइन 30 होता 1/2, ये इधर आएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 3/2 और इधर बचेगा साइन और ए प्लस डेल मिनिमम यहाँ बचेगा और डिवाइड कर दूँ यहाँ मैं 2 से तो साइन 60 जो होता है वो रूट 3/2 होता है और इधर बचेगा अपने पास साइन ए प्लस डेल मिनिमम डिवाइडेड बाई यहाँ से 2 से। तो दोनों साइड जो है ए प्लस डेल मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाई 2 से 60 आ जाएगी। तो यहाँ से ए प्लस डेल मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 120, ठीक है ना। तो डेल मिनिमम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 120-a मतलब यहाँ से 120-60 मतलब 60 डिग्री द फाइनल सोल्यूशन, मतलब ए ऑप्शन अपना सही हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।